हेलो एवरीवन, वेलकम टू कौशलम। आज का हमारा टॉपिक एक अमेंडमेंट है जो फाइनेंस एक्ट 2021 में आया था, वो है सेक्शन 194P। और उसमें कहा गया था कि सीनियर सिटीजन जिनकी एज 75 इयर्स या उससे ज्यादा है, उन्हें इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। जी हाँ, ये तो एक बहुत बड़ी रिलीफ है उन लोगों के लिए जो 75 या उससे ज्यादा एज के लोग हैं, मींस सीनियर सिटीजन है। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि ऐसी रिलीफ क्यों दी गई डिपार्टमेंट ने और इसकी क्या टर्म्स एंड कंडीशन है, ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस रिलीफ को देने का सबसे बड़ा जो कारण था वो था बर्डन जो है इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने का, उसे कम करना, उसे हटाना, स्पेशली उन लोगों के लिए जो 75 या उससे ज्यादा की एज के इंडिविजुअल्स हैं। मींस ये रिलीफ सिर्फ उन्हीं के लिए है और किसी के लिए नहीं है। दूसरी शर्त जो ये है कि आप जो रिलीफ क्लेम कर रहे हैं रिटर्न फाइल ना करनी पड़े, वो सीनियर सिटीजन जिनकी एज 75 से ज्यादा है, उनकी इनकम सिर्फ दो सोर्स से होनी चाहिए, पहली पेंशन और दूसरी इंटरेस्ट। इंटरेस्ट भी केवल जो बैंक से उन्हें मिल रहा है, उस बैंक से जिस बैंक में उनकी पेंशन आती है। अगर ये दो सोर्स से आपकी इनकम है तो आप यहां एलिजिबल हैं इस एग्जेम्पशन के लिए कि आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करनी है। अगर आपके पास दूसरे हेड की इनकम भी है तो फिर इस एग्जेम्पशन का फायदा आपको नहीं मिलेगा। जी हाँ, तो जो सीनियर सिटीजन जिनकी एज 75 या उससे ज्यादा की है, इस एग्जेम्पशन का इनकम टैक्स रिटर्न नहीं फाइल करने का फायदा अगर वो लेना चाहते हैं तो आपके लिए कुछ टर्म्स एंड कंडीशन का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। पहली बात, सीनियर सिटीजन की एज 75 से ज्यादा होनी चाहिए, 75 या उससे ज्यादा होनी चाहिए। वो प्रीवियस ईयर में इंडिया के रेसिडेंट होने चाहिए। इसके बाद उन्हें सिर्फ पेंशन या इंटरेस्ट की इनकम होनी चाहिए। इंटरेस्ट की इनकम भी जो उन्होंने एक्रू हुई है या अर्न करी है, वो सेम स्पेसिफाइड बैंक से होनी चाहिए जहां उन्हें पेंशन भी मिलती है, मीन जहां उनकी पेंशन क्रेडिट होती है। सीनियर सिटीजन को इसके लिए डिक्लेरेशन देना होगा, उसके बाद कुछ डिटेल्स देनी होगी उस स्पेसिफाइड बैंक को। वो डिटेल अभी हम बताएंगे आपको आगे क्या डिटेल्स देनी होगी। स्पेसिफाइड बैंक नोटिफाइड होना चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट से, और उस स्पेसिफाइड बैंक की ये ड्यूटी है कि वो सीनियर सिटीजन की इनकम पर सारे डिडक्शंस क्लेम करने के बाद 87A की रिबेट लेने के बाद TDS भी डिडक्ट करे। जी हाँ, मींस सेंट्रल गवर्नमेंट ने, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने ये जो टैक्स की जो लायबिलिटी है सीनियर सिटीजन की जो 75 से ज्यादा के हैं, ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बैंक के ऊपर डाल दी। मींस जो बर्डन था सीनियर सिटीजन का, वो बैंक को शिफ्ट कर दिया कि अगर आपके पास कोई सीनियर सिटीजन जिसकी पेंशन भी आ रही है और जिसका इंटरेस्ट भी क्रेडिट हो रहा है आपके बैंक में, वहां अगर वो सीनियर सिटीजन आपको एक डिक्लेरेशन देता है कि हमारा TDS डिडक्ट कर लें, हमारा जो इनकम है वो ये दो सोर्स की इनकम है और हम रिटर्न फाइल नहीं करना चाहते हैं, आप बैंक जो स्पेसिफाइड बैंक है, आप हमारा TDS डिडक्ट करके वो सरकार को जमा करा दें, तब जाकर सीनियर सिटीजन इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की लायबिलिटी से, ऑब्लिगेशन से फ्री हो पाएंगे। अगर स्पेसिफाइड बैंक TDS डिडक्ट नहीं करता है तो आप रिटर्न फाइलिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी से फ्री नहीं हुए हैं, फिर आपको रिटर्न फाइल करना जरूरी है। इसलिए सीनियर सिटीजन को चाहिए कि वो स्पेसिफाइड बैंक में जहां उनकी इंटरेस्ट की इनकम और पेंशन की इनकम आ रही है, वहां पर वो जाकर एक डिक्लेरेशन फॉर्म फाइल करें और उस डिक्लेरेशन फॉर्म में उन्हें अपनी टोटल इनकम बतानी होगी, उन्हें सेक्शन 80C से 80U तक जो डिडक्शंस मिलते हैं वो बताने होंगे, उन्हें 87A की रिबेट के बारे में बताना होगा अगर उनकी इनकम 5 लाख से कम होती है, ताकि बैंक उनकी टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करके TDS का सही अंदाजा लगा पाए और वो TDS डिडक्ट करके गवर्नमेंट को जमा करा पाए। जी हाँ, ये सब कुछ होने के बाद ही सीनियर सिटीजन जिनकी एज 75 से ज्यादा है, वो इस 194P सेक्शन की जो एग्जेम्पशन है उसका फायदा ले पाए। तो ये थी इन्फॉर्मेशन स्पेशली सीनियर सिटीजन के लिए जिनकी एज 75 या उससे ज्यादा है। अगर वो रिटर्न फाइल नहीं करना चाहते हैं तो उन्हें इन कंडीशंस को फॉलो करना जरूरी है। ऐसे ही अधिक जानकारी के लिए आप ज्वाइन कर सकते हैं कौशलम के डिफरेंट स्किल बेस्ड कोर्सेस, और आप जुड़े रहिए कौशलम के साथ। एंजॉय द लर्निंग। थैंक यू।